दोस्तों स्क्रीन पे दिखने वाली ये अदाकारा उसको लेके काफ़ी रूमर्स है और लोगों में एक्साइटमेंट है कि इनकी अनकट वेब सीरीज़ आने वाली है। दोस्तों लेन देन वेब सीरीज़ के अंदर एक एक्ट्रेस हमें देखने को मिली थी जिसका नाम है बबीता दुबे। ये बबीता दुबे की अनकट वेब सीरीज़ आएगी या नहीं आएगी उसको लेकर लोगों में काफ़ी रूमर्स थे और काफ़ी कॉमेंट भी आ रही थी। तो अभी फ़िलहाल इसका रिप्लाई उसने खुद दे दिया है। जी हाँ दोस्तों, इसको एक बढ़िया से लीड स्टार कास्ट के रोल पर अभी लीड किया गया है और उसके अंदर उसकी एक वेब सीरीज़ आने वाली है। लेकिन लोगों ने कमेंट्स किया था, यानी उसके फैंस ने उसमें कमेंट्स किया था कि मैडम हम आपको अनकट वेब सीरीज़ में देखना चाहते हैं। वहाँ पे उसके रिप्लाई के अंदर बबीता दुबे ने कह दिया है कि शायद ये वेब सीरीज़ अनकट नहीं होगी, यानी उन्होंने साफ साफ मना कर दिया है। तो दोस्तों इसका साफ मतलब है कि लेन देन की ये अदाकारा बबीता दुबे की कोई अनकट वेब सीरीज़ फिलहाल तो नहीं आने वाली। जी हाँ दोस्तों, उसके साथ एक और एक्ट्रेस थी तेजस्विनी प्रभाकर, उसकी शायद अनकट वेब सीरीज आ गई है, लेकिन अभी फिलहाल बबीता दुबे ने तो साफ साफ मना कर दिया है। अब दोस्तों काफ़ी क्यूरियोसिटी लोगों में भी होती है और लोग भी काफ़ी एक्साइटेड है खास करके ऑनलाइन वेब सीरीज़ को लेकर, क्योंकि उनके अंदर ज़्यादातर लोग ऑनलाइन ही वेब सीरीज़ सीन सस्पेंस की वजह से ही देखते हैं। और जब कोई अदाकारा बढ़िया सा परफॉर्म करती है और पॉपुलर हो जाती है और ये सीरीज़ के अंदर देखने को मिलती है तो लोगों की एक्सपेक्टेशन और भी बढ़ जाती है और लोग भी एक्सपेक्ट करते हैं कि इनकी कोई अनकट वेब सीरीज़ आए जिसके अंदर हम इनको देख के अपनी आंखों को ठंडक दे सकें। लेकिन कभी कभार कोई अदाकारा वेब सीरीज़ के अंदर हाँ बोल देती है और अनकट सीरीज़ में आ जाती है, लेकिन कुछ अदाकारा होती है जो ये वेब सीरीज़ करने से मना भी कर देती है। अभी ऐसे ह्यूमर्स के बीच ऑडियंस खुद उनकी प्रोफाइल पे जाके कमेंट करके जान लेते हैं कि शायद उनकी वेब सीरीज़ आएगी या नहीं आएगी। तो फिलहाल तो ये उम्र से अभी पर्दा उठ रहा है कि बबीता दुबे जो है उसकी कोई अनकट वेब सीरीज़ आने वाली नहीं है। अब ये उसका खुद का ओपिनियन है और इस ओपिनियन को लेके आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और ऐसी वेब सीरीज़ की अपडेट जानने के लिए दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में लगा हुआ बेल आइकन दबा देना ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे।